हमारा देश भारत मंदिरों का शहर है। हमारे देश का कोई ऐसा शहर नहीं जहां कोई मंदिर न हो। परंतु आज हम आपको एक ऐसे मंदिर में ले चलेंगे जो किसी देवी देवता का नहीं बल्कि साक्षात देव भगवान सूर्य का मंदिर है। यह देव मंदिर औरंगाबाद जिले में पड़ता है। यह बिहार का सबसे लोकप्रिय तीर्थ क्षेत्र माना जाता है। यह मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है। अपनी विशाल संरचना, सुंदर नकाशी और विस्तृत मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर 100 फीट लंबा है और काले और लाल पत्थरों से बना है। यह बहुत ही पुराना मंदिर है और कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने एक रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। जब आप छठ पूजा के दौरान यहाँ आएंगे, छठ पूजा बिहार का सबसे लोकप्रिय त्यौहार है। उस दौरान यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। लोग यहाँ भगवान सूर्य की आराधना करते हैं। भगवान भास्कर का यह मंदिर अपने अंदर कई सारे रहस्यों को समेटे हुए है। मंदिर के बाहर एक बड़ा काला पत्थर प्राचीन शिलालेख है जो मंदिर की उत्पत्ति और अन्य विवरणों के बारे में जानकारी देता है। यह श्लोक ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इस पर लिखे गए पवित्र श्लोक के अनुसार इलाक के पुत्र पुरुरवा एल को एक गड्ढे से तीन देवताओं की मूर्तियां मिली थी। पुरुरवा एल को कुष्ठ की बीमारी थी और उन्होंने उस गड्ढे से निकली हुई मिट्टी को अपने शरीर पर लगाया और उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने सूर्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ करवाया था। जब आप इस मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको भगवान भास्कर की तीन मूर्तियां मिलेंगी। यह तीन मूर्तियां सूर्य के तीन रूपों का प्रतिनिधित्व करती है। उदयांचल उगता हुआ सूरज, मध्यांचल मध्याह्न का सूरज और अस्तांचल डूबता हुआ सूरज। सूर्य के तीन रूपों को ब्रह्मा, महेश और विष्णु भी कहा जाता है। उगते हुए सूर्य को ब्रह्मा का रूप, मध्याह्न के सूर्य को शिव का रूप और डूबते हुए सूर्य को विष्णु का रूप कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह मंदिर उन मंदिरों में से एक है जिसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने एक रात के भीतर करवाया था। इस मंदिर की एक खास विशेषता है, इस मंदिर को बनाने में गारा, मिट्टी या चूना का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ है। दो पत्थरों के बीच में कील या लोहे का इस्तेमाल किया गया है जो आपको किसी अन्य मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। यह ऐतिहासिक तीर्थ एकमात्र सूर्य मंदिर है जिसका मुख्य दरवाजा पश्चिम की ओर है जो डूबते हुए सूर्य को सम्मान देता है। हर रविवार इस मंदिर और मंदिर के निकट सूर्य कुंड की यात्रा करना अति शुभ माना जाता है। विशेष रूप से छठ पूजा और आद्रा नक्षत्र तिथि के दिन छठ पूजा के दौरान यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और बड़ा सा मेला लगता है। यह कुंड आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ होती है और यहीं से लोग भगवान भास्कर को अर्घ देते हैं, आराधना करते हैं। भगवान भास्कर का आशीर्वाद पाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भारत के अति प्राचीन मंदिरों की जानकारी के लिए देखते रहें भारत दर्शन चैनल। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग।